और मोदी से सच बुलाना असंभव बात है। आमतौर पर जब चुनाव होता है तो पार्टियां जीता करती है, लेकिन इस बार चुनाव होगा तो देश हारेगा या जीतेगा, याद समझना। इसलिए हिंदुस्तान को अगर जिताना है, हिंदुस्तान के संविधान को अगर जिताना है, किसान की पगड़ी को जिताना है, औरत के सम्मान को जिताना है, गरीब की रोटी को जिताना है, तो फिर पूरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। अरे हमारे यहां सुना था और दिल्ली में रूल पास हो गया, पंजाब में रूल पास हो गया, ये तुम्हारा जो सांसद है 15 साल हो गए हैं इसको, 20 साल। तो हमारे यहां एक नियम बना है कि 15 साल पुरानी गाड़ी जो है धुआं काला मारती है, उसको पूरी तरह से कचरा बना के फेंक दो। अरे अगर 15 साल पुरानी गाड़ी काला धुआं मारती है तो 20 साल पुराना हो गया है, इसको भी फेंक दो, इसको भी बदल दो। कुछ नया चाहिए, कुछ नवीन चाहिए, कोई काम करने वाला चाहिए, इंडस्ट्री लाने वाला चाहिए, किसान की पगड़ी लाने वाला चाहिए। क्या किया है इन्होंने, मैं पूछता हूं क्या किया है इन्होंने? समुद्र के नीचे रेलवे लाइन बिछाना है, अमेरिका मंगल ग्रह के ऊपर जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक आर्मी बना रहा है, और भारतवर्ष चौकीदार बना रहा है, वो भी चोर बना रहा है। ताकि ताली ठोके, बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत पकौड़ों की, ठोको ताली। चौकीदार को पूछो कि जब नीरव मोदी भागा था, जब माल्या भागा था, तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था भैया, बताए? मोदी। पेट खाली है, चलो मेरे भाई, पेट खाली और योगा कराया जा रहा है। अरे पेट खाली है, योगा कराया जा रहा है, जेब खाली है, खाता खुलवाया जा रहा है, पेट खाली योगा कराया जा रहा है, जेब खाली खाता खुलवाया जा रहा है, और खाने को खाना नहीं शौचालय बनाया जा रहा है। सभी कंपनियां विदेशी है, मेक इन इंडिया बनाया जा रहा है। सरदार पटेल का बुक चाइना से, राफेल जहाज फ्रांस से, बुलेट ट्रेन जापान से, तो इनसे क्या बनवाओगे नौजवानों से? मोदी की पकौड़े तलवाओगे? चलो भाई पकौड़े तलवाओ, ताली ठोको। दिमाग में धर्म और जाति की गंदगी है, और स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, धर्म के नाम पे बांटते हो, मुद्दों से भगोड़े हो गए हो, मुद्दों से भागते हो। तुम 15-15 लाख की बात आज क्यों भूल गए? तुम 2-2 करोड़ नौकरियां साल में देने की बात आज क्यों भूल गए? तुम गंगा साफ करने की बात क्यों भूल गए? और आज तुम जंग की बातें करते हो, सुना है सरहदों पे तनाव है, जरा पता तो करो क्या चुनाव है? ठोको ताली ठोको। आज तुम बदलते हो, आज तुम राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो, हैं? किस पनाह पे, किस पनाह पे नरेंद्र भाई मोदी? अरे काहे का तू चौकीदार है, मच गया देश में हाहाकार है, जीएसटी और नोटबंदी ले बैठा दुकान को, कर्जा ले बैठा किसान को, नशा ले बैठा नौजवान को। अरे 15 लाख का आज भी इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ,
लोगों का बेवकूफ नहीं बना पाओगे मोदी जी। यदि किसान 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो तुम उससे खाली चेक लेते हो, खाली चेक लेते हो, और 2 लाख में से अगर 2000 वापस ना करे तो तुम जेल में ठोकते हो, कोऑपरेटिव बैंक के बाहर उसकी फोटो लगवाते हो, उसे जलील करते हो, उसे जेल भेजते हो। और अंबानी अगर 1 लाख करोड़ रुपया ना दे, अडानी अगर 1 लाख करोड़ रुपया ना दे, उससे ब्लैंक चेक नहीं लेते, क्योंकि वो तो गाना गाता है नाच में भी बुलबुल के पैसा मिलेगा, अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। ठोको ताली ठोको जरा, कभी चौकीदार किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है? तुम बताओ, किसी गरीब के घर के बाहर खड़ा देखा है चौकीदार? किसी किसान के घर के बाहर खड़ा देखा है चौकीदार? देखा है कभी? चौकीदार तो खड़ा होता है अंबानी और अडानी की बिल्डिंग के बाहर, जहां गरीब का और किसान का जाना वर्जित है। पहले चौकीदार बोलते थे जागते रहो जागते रहो, आज का चौकीदार भारत के बैंकों से पैसे निकाल के अमीरों को देके कहता है भागते रहो, भागते रहो। अरे चौकीदार का कुत्ता भी चोर खिलाता है और वेलकम करता है। 30,000 करोड़ रुपए तुमने इन अमीरों को घूस खिला दी, सरकारी कंपनियां मार डाली तुमने, अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए जाके खिलाए, फ्रांस में जाके 500 करोड़ रुपए का जहाज इस देश को 1500 करोड़ में दिलवाया। अगर नहीं दिलवाया तो आप बहिष्कार मोदी यही चौराहे में या तेरे घर पे आता हूं, यदि तू मुकरेगा तो बात कर, फिर तू हार गया तो सदा के लिए राजनीति छोड़ने को तैयार है। आए थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम गंगा के लाल बन गए और 2019 में जाओगे राफेल के दलाल बन गए। बहनों भाइयों, बरेली चले गए, बहनों भाइयों मुझे बरेली बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि चुनिया यही तो गिरा था। सारा दिन लोगों का बेवकूफ बनाते रहते हो तुम, लोगों को मूर्ख समझते हो तुम है? और बातें कर रहे हो ना खाऊंगा बहनों भाइयों, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वाह रे वाह, झूठ बोले कौआ काले काले कौए से डरी हो है? क्या तुमने किसान को बीमा दिया? कहां तुमने मजदूर को नौकरी दी? कहां तुमने गरीब को उसका हक दिया? मंदिर मस्जिद करके बांटते हो, लोगों में ताने डालते हो। अरे मैं कुरान शरीफ भी आज भी आदर करता हूं, झुकता हूं मैं जब मस्जिद जाता हूं, मैं गीता के आगे भी झुकता हूं, वो मेरा धार्मिक ग्रंथ है। मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे भी झुकता हूं, जिसमें बाबा फरीद संत कबीर की वाणी है, हम सब एक हैं। लेकिन मैं एक राजनेता होने की बजाय एक मेरा भी पॉलिटिकल और राजसिक धार्मिक ग्रंथ है, वो है हिंदुस्तान का संविधान, उसकी लड़ाई लड़ता हूं। और मैं कहता हूं नरेंद्र भाई मोदी, हमारा संविधान कहता है कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, कोई अंकुश से, पेड़ फल से, खेत उपज से, और इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, कर्म प्रधान कर्म बड़ा। न मंदिर की बात हो मोदी, न मंदिर की बात हो, न मस्जिद की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, पहले निवालों की बात हो, किसान की पगड़ी की बात हो, औरत के सम्मान की बात हो। झूठ बोल के तुम लोगों को बहका रहे हो, इतिहास रचेंगे लोग अब की बार मोदी सरकार। अब जबकि नीचे देखते ना वो पोस्टर लगा होता है अब की बार मोदी सरकार, तो किसान खड़ा था, मैं कहा भैया आप क्या देख रहे हैं? कह रहा मैं देख रहा हूं जब बोलेगा अब की बार, मैं कहूंगा फस कर यार।
हो। अब की बार मैं बोलूंगा, अब की बार तुम बोलना बस करिया। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, क्योंकि बुरे दिन जाने वाले हैं और राहुल गांधी आने वाले हैं। मैं नवजोत सिंह सिद्धू तुम्हें कहता हूँ, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने सिर पे लेके कहता हूँ, मां देख मां जिसका दूध मैंने पिया उसका आशीर्वाद सब पे लेके कहता हूँ, यदि तुमने ये कड़ी जोड़ दी, नीचे मुख्यमंत्री तुम्हारा है, एमएलए तुम्हारा है, यदि सांसद बना के ऊपर प्रधानमंत्री बना दिया, अगर सांसद नहीं बनाओगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, तो फिर मैं आपको कहता हूँ कि ये जिला 5 साल में 50 साल की तरक्की करेगा, नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा तुम्हारे पास। और ये 15 लाख का वायदा करता था, ये गंगा साफ करने का वायदा करता था, ये लोकपाल का वायदा करता था, ये 2 करोड़ नौकरी की बात करता था। मैं तुम्हें इतना ही कह के जा रहा हूँ, दशा मास की बात हुई, मास हुआ, दूसरे दिन हुआ, अब तुम्हें कह के जा रहा हूँ, कोई गरीब हो, कोई किसान हो, कोई मजदूर हो, कोई दुकानदार हो, जो आदमी गरीब है, जिसको एक टाइम रोटी कमाने में दिक्कत है, उसके घर बैठे 72,000 रुपया साल उसको मिलेगा, 72,000 रुपया साल उसको मिलेगा। ये मोदी का झूठ की बात नहीं है, ये मोदी का झूठ नहीं है, ये नवजोत सिंह सिद्धू का और राहुल गांधी का वचन है। गुरु गोविंद सिंह के दरबार में किसी ने पूछा था, गुरु साहब फंदा कौन सा अच्छा होता है और अरुद कौन सी अच्छी होती है, 8 फुट का कद हो, फड़कते हुए डौले हो, मारे घुसा फंदा धरती में दौड़ दे, फंदा वही अच्छा होगा। कोई कहेगी औरत वो अच्छी जिसकी आंखें बिल्लौरी नैन है, मुंह खुलने का खुला रहे क्या भाई का मेरा। अरे तो गुरु साहब ने कहा बात सुनो भाई, बंदा वो अच्छा जो वचन का पक्का, औरत वो अच्छी जिसकी आंखों में शर्म और हया। तो तुमने कौन सा वचन निभाया है मोदी, 364 संकल्प किए तुमने, 364 संकल्पों में एक भी पूरा नहीं हुआ, और राहुल गांधी ने जो कहा वो 2 घंटे में पूरा किया, और रामायण में जो कथा गूंजती है, रघुकुल भी सदा चली आई, प्राण जाए और वचन न जाए, उसको पूरा किया। ठोको ताली, ठोको ताली, ठोको। और तुम और आज मैं तुम्हें कहता हूं, क्या रोजगार है ना, राम मिला ना रोजगार मिला, हर गली में मोबाइल चलाता हुआ बेरोजगार मिला। मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं, और मोदी जी हेलो भाई जापान चले गए, मुझे जापान बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं छोटा था मेरे पिताजी मुझे कहते थे पाल नरेंद्र जा पान लो पकड़ लो पूछ भोगी, प्रधानमंत्री है, एक चीज पे खड़ा हो तो बताओ, एक चीज पे। और आज लाशों के राजनीति कर रहा है ये प्रधानमंत्री, ये शहीदों की लाशों के ऊपर राजनीति कर रहा है, हैं? और मुख्यमंत्री है योगी, सत्ता का योगी खोल दो उसकी गोभी, ताली ठोको, ताली ठोको, ठोको, मोदी जी की सेना तो पकड़ लो पूछ, ये सेना भी मोदी जी की हो गई, पहले आतंकी हमले होते थे तो इस्तीफे मांगे जाते थे, शिवराज पटेल साहब ने इस्तीफा दिया, विलासराव देशमुख ने इस्तीफा दिया, और अब जब आतंकी हमले होते तो वोट मांगी जाती है। इन लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है तुमने, कि तुम इनसे रोजगार की बात नहीं करोगे, तुम इनसे नौकरियों की बात नहीं करोगे, किसान की पगड़ी की बात नहीं करोगे, किसान की फसल के दामों की बात नहीं करोगे, अंबानी अडानी की गोद में बैठोगे और बात करोगे उसके बाद राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवाद ये नहीं होता नरेंद्र मोदी, कांग्रेस ने 5 गांधी दिए, महात्मा गांधी सत्य पे खड़े आजादी देने वाले, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और भाजपा ने 3 मोदी दिए, नीरव मोदी, ललित मोदी, और तीसरा नरेंद्र मोदी।
गोदी तो बैठ गया, अंबानी की गोदी तो उतर गया। ये है तुम्हारा इंसाफ है? भक्तों को लगता है कि 2014 के पहले भारत था ही नहीं, एक रेलवे स्टेशन था और एक चाय की दुकान थी है? और मोदी जी ने 2014 के बाद भारत वहां लूट के निकाला है। नरेंद्र मोदी, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो अंबेडकर साहब ने इस देश का संविधान बना दिया था, तो तुम पैदा नहीं हुए। और जिस दिन तुम चट्टी में थे तो चाचा नेहरू ने अंतरिक्ष में ज्ञान भेज दिया था। जब तुम पढ़ने नहीं गए थे तो IIT IIM बन गए थे। और जब तुम स्कूल जाना नहीं सीखे थे तो इस देश के तगड़े स्वाभिमानी किसान ने व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन ला के इस देश को आत्मनिर्भर कर दिया। बात करते हो मरे जवान मरे किसान और हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ रहा था। तो ताली इधर हो भाई, थोड़ा साइड हो जाओ, तो लग रहा है हेमा मालिनी मंदिर में जाऊँ। हंसलो हंसलो पर ताली ठोको, टिका के ठोको। जब 6 रुपए डीजल की कीमत थी, जब 6 रुपए डीजल की कीमत थी तो किसान की फसल की कीमत 1992 में 330 रुपए थी। ये गेहूं और 270 रुपए धान, डीजल 80 रुपए हो गया, 19 गुना बढ़ गया। लेकिन किसान की फसल की कीमत सिर्फ 5 गुना बढ़ी, 1500 और 1700। 1970 में ये आंकड़े दे रहा हूं नरेंद्र मोदी, कहीं पर भी आके बहस कर लेना मेरे साथ। किसान की फसल किसान किसान की कीमत दुगनी कर दूंगा। हाँ लल्ला झूठा, सिरे का झूठा है। 1970 में 70 रुपए कीमत थी गेहूं की एक क्विंटल की। और जो शिक्षक पढ़ाई देता है, जो प्रोफेसर है टीचर है, उसकी तनख्वाह 90 रुपए थी। आज उसकी तनख्वाह 500 गुना बढ़ गई, प्राइवेट सेक्टर में 1000 गुना बढ़ गई। और किसान की फसल की कीमत सिर्फ 19 गुना बढ़ी। तुमने अन्नदाता को भिखारी बना के खड़ा कर दिया, कर्जे में डूबो दिया। तो बुनता था तो कपड़े बुनता था, उसे तन से नंगा करके खड़ा कर दिया। जो बड़ी मकान बनाता उसे पेड़ खड़ करके खड़ा कर दिया। इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमाना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, समाज की हर बाधा को हटा देना, इबादत है। और कौन कहता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी के वो परमात्मा किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में छुपा है? अरे जैसे तेलों में तेल है, सागर में लहरें हैं, फूलों में खुशबू है, गन्ने में गुड़ है, दूध में मक्खन है, वैसे ही वो परमात्मा हरि नारायण अल्लाह वाहेगुरु बन के इनके दिलों में इनके भीतर छुपा है। मेरे भगवान, क्या किया तुमने, क्या किया तुमने नर सेवा नारायण सेवा, क्या किया तुमने नौजवान का? तुमने कहा 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 8 लाख नौकरी मिली 5 सालों में, 10 करोड़ मिलनी चाहिए नहीं। तो क्या बख्शेगा नौजवान? उसका जोश है, वादा खिलाफी को बख्शेगा नहीं। अरे वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। लड़ाई वोट से चोट करने की है, ये लड़ाई सत्य से झूठ की है, ये लड़ाई धर्म से अधर्म की है, ये लड़ाई उन चोरों की है जिन्होंने इस देश को बेच के चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। ये प्रधानमंत्री उन 2 पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, ये किसान का नहीं है। यहां सोयाबीन की खेती होती है, 5000 के जिस किसान ने बीमा भरा उसको वापस 30 रुपए दिए गए, अगर खेत उजड़ गया तो 30 रुपए दिए। 30 रुपए, शर्म होनी चाहिए तुम्हें, धिक्कार तुम पे कि तुमने 46,000 करोड़ का बीमा किया, किसान को 30,000 दिया, 16,000 करोड़ रुपए तुमने अंबानियों और अडानियों को दे दिए। किसान कर्जा वापस करे 5 साल में और अडानी कर्जा वापस करे 25 साल में। 25 साल, वाह रे वाह, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या तुम्हारे लिए रुपया ही सबसे बड़ा हो गया? क्या गरीब किसान गरीब आदमी कुछ नहीं रहा? ये तुम्हें बताना होगा नरेंद्र मोदी। और मैं
आज दंडे की चोट के ऊपर कहता हूं कि तुम अमीरों के दलाल बन चुके हो। BSNL भारत का टेलीफोन कंपनी 5,50,000 करोड़ रुपए का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, उसको तुमने 4G नहीं दिया, वो 8,000 करोड़ के घाटे में आ गया। 4G किसको दिया? अंबानी के जियो चंदना, जियो चंदना को ताली, चंदना का तुम्हारा सगा हो गया वो 900 करोड़ के फायदे में, और BSNL 8,000 करोड़ के घाटे में। अंबानियों को तुम 12-12 100 एकड़ जमीन 40 करोड़ की देते हो सीमेंट प्लांट लगाने के लिए, और अंबानी उसे 5,000 करोड़ में बेच देंगे। क्या तुमने किसी किसान को पट्टा दिया, किसी आदिवासी को पट्टा दिया? और फिर तुम्हारी GST और नोटबंदी, वाह रे वाह मोदी क्या बात है, लगा दी GST तो लोग 5-5 लाख गुजरात में, राजस्थान में दुकानदार खड़े हो गए जिनके धंधे बंद हो गए, तुम्हारे खिलाफ आए, तुम्हारी चाय फटने लगी थी, जनता किसी और से बढ़ने लगी थी, और उसी वक्त GST घटने लगी थी। ताली भाई, तुमने नोट काला धन कहके वापस लाऊंगा, तुमने भारत का काला धन गुलाबी कर दिया, गुलाबी नोट गुलाबी कर दिए। अरे बाहर के विदेशों में 5,000 का नोट बंद करके, 1,000 का नोट बंद करके 200 का नोट चालू हुआ। अमेरिका में 50-100 डॉलर चालू हुआ, इंग्लैंड में 50 पाउंड चालू हुआ। यहां तुमने 500 का बंद किया, 1,000 का बंद किया, और गाल गुलाबी तो समझो तुमने नोट 2,000 का गुलाबी कर दिया। ठोको ताली, ठोको ठोको ताली। और 800 करोड़ अमित शाह के बैंक में जमा हुए, अगर मुकदमे सामने आए बहस करें। सिद्धु ललकार के कहता है, अब ललकार का प्रतिकार होगा, सत्य जीतेगा, सत्य में वो जयते। 800 करोड़ अमित शाह के बैंक में 5 दिन में जमा हुए, 600 करोड़ जयंती भाई गुजरात का मंत्री राजकोट के बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में जमा हुए, मुन्ने साहब की बेटी उसके बैंक में 800 करोड़। तुमने 22,000 करोड़ गरीबों का तुमने गुलाबी करके अपने बैंकों में जमा करा दिया। अगर 5 दिन में 700 करोड़ जमा होने थे मोदी साहब, तो 1 घंटे में 12,000 लोग अगर खड़े होकर 2,500,000 जमा कराते तो होते। अगर 12 लोग कोऑपरेटिव बैंक में 2,500,000 एक घंटे में जमा करा दे तो मैं तुम्हारी टांगों के नीचे निकल जाऊंगा। झूठ बोलते हो, देश को बेचते हो, फौज के ऊपर लड़ते हो, राष्ट्रवाद की शरण में जाते हो। एक किसान था, तो मैं कहानी सुना दूं बड़ी अच्छी लगेगी। एक किसान था, उसकी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, और 1947 से पहले हम लोग गोरे अंग्रेजों के साथ लड़े, आज लड़ाई काले अंग्रेजों के साथ। ये काले अंग्रेज हैं अंबानियों को बेचने वाले, ये काले अंग्रेज। तो किसान की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आता, उसको वकील करना पड़ गया। वकील ने कहा बेटा ठुकाई हो रही तेरी, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। उसने कहा क्या, तेरा पुलिस वाले देखे नहीं, वो पुलिस स्टेशन में पता लगाते हैं, उसमें लिखा होता है आन मिलो सजना, थका थक थका थक 100 बार मारता है ठाए ठाए ठाए, और बंदा अपना नाम भूल जाता है तो वो लगेगा तेरे, और लाल हो जाएगा तू। बोला बचा लो उसको, जुगाड़ लगाऊंगा क्या, जेब में 5 रुपए किसान की। बोला तू 100 रुपया दियो मुझे। बोला मंजूर। बोला 100 रुपया देगा? कहां 100 रुपया दू, जेब में 5 रुपए। कह रहा 100 रुपया दूंगा। कह रहा ठीक है, मैं तुझे जुगाड़ बताता हूँ। वकील बोला जुगाड़ बताता हूँ। क्या जुगाड़? बोला जुगाड़ सिंपल सा है, सीधा सा है, तू पागल बन जा, तू बाल बिखेर देना, मौरा जाना, और कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। बोला ठीक है, जज के सामने मानियो मत, पागल बन जाना। बोला ठीक है। जज आया, बोला बताओ तेरी बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आया? कह रहा पागल हो गया, यहाँ खड़ा होने के काबिल नहीं, बाहर भेज दो, यहाँ खड़े होने के काबिल नहीं, बाहर मारा भगा के। तो वकील भागा आया, कैसा था जुगाड़, बरी हो गया करी? कह रहा अबे कह रहा मेरे 100 रुपए तो दे कर रहा हूँ। हंसलो हंसलो पर तारी ठोको, कह रहा ठोको ठोको। तो मोदी से पूछो, नरेंद्र भाई मोदी तुमने कहा था कंधा साफ कर दूंगा, अरे तुमने कहा था गरीब के बैंक अकाउंट में 15 लाख जमा कराऊंगा।
अरे तुमने कहा था नौजवानों को 2 करोड़ नौजवान दो, वो 2 करोड़ रोजगार दूंगा। अब जब भाजपा वाले तुम्हारे पास आए तुम क्या करोगे? हंसलो पर ताली ठोको। मैं इतनी ही विनती करने आया हूं कि यदि महिलाओं का सम्मान चाहिए तो ये सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बिल्कुल गलत। कहते कुछ है करते कुछ है, करता कोई है भरता कोई है मरता कोई है। गोली मारी राम को लगी घनश्याम को मरता तिवाड़ी मारी। ठोको ताली ठोको। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे? मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी अगर किसान को मार डालोगे तो देश में रोटी कहां से लाओगे? ये बताओ। ये तुम निर्णय करोगे, तुम फैसला करोगे मेरे भाइयों। ये तुमने निर्णय करना है। इस बार राहुल गांधी जो तुम्हें 72,000 रुपए गरीबों को मनरेगा 25 करोड़ लोगों को एक एक को सूरी से लेके कांग्रेस ने अंतरिक्ष में यान भेजा है और इन्होंने क्या बनाया? चोर चौकीदार। अंधों के बाजार में आईने के खरीदार है। सुनना भाइयों, अंधों के बाजार में आईने के खरीदार हैं और शहर के सभी चोर कह रहे हैं हम भी चौकीदार हैं। हम भी चौकीदार हैं। अंधी के नैनों को खुमार आया है। अंधी के नैनों को खुमार आया है और देख लो आज कंजो तो कंधी का प्यार। अगर महिलाओं का सम्मान चाहिए, दुकान के ऊपर ग्राहक चाहिए, किसान की पगड़ी की बात होगी तो सुन लो, छत्तीसगढ़ में 25,000 कन्याएं उठा के बंबई करी पासारों में बेची गई। मध्य प्रदेश 15 साल जब मामा के नीचे था। मामा याद है ना? मामा तो गयो अब ठाकुर भी गयो। अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेला मिला। ठोको। 25,000 लड़कियां बंबई की मंडियों में बिकी। मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 पे आया। राजस्थान पिछले राज्यों में आया। यदि औरत का सम्मान सभ्य समाज में नहीं होगा, यदि 30,000 कन्याएं बंबई में जाके बिकेगी तो हम कहोगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है। भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। नीलाम नहीं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मोदी आया न्यूज खत्म, मोदी आया व्यापार खत्म, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया नौजवान खत्म, इस बार मोदी आया तो देश खत्म। मेरे भाइयों देश खत्म। झूठा इंसान है। बापू गांधी की धरती पे जहां सत्य की आवाज गूंजी इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री पैदा हुआ और आज राष्ट्रवाद की शरण में चले गए हम मोदी जी। वाह 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 वाह। लोगों को छुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पगलाने की कोशिश कर रहे हैं, फौज के कंधों से सियासी तीर चला रहे हैं। क्या ये तुम्हारी सियासत है? अरे ये बेवकूफ नहीं बनने वाले लोग, अब तो बंदर बेवकूफ नहीं बनते। एक एक टोपी बेचने गया, 5,000 टोपी लेके गया, बरगद के पेड़ के नीचे सो गया तो बंदर आए, बंदरों ने टोपी उठा ली। जब टोपी उठा के ऊपर चले गए बंदर, एक भी टोपी बची नहीं तो भागा भागा अपने दादा के पास गया, अपने बाप के पास गया। कहने लगा जी टोपी उठा दी मेरी तो मैं तो यहां से निकाल के लेके गया था गाँव से। कहने इसमें क्या बड़ी बात है? दादा बोला तू टोपी पहनना, बरगद के नीचे जाके जोर से नीचे भागे। देखियो क्या होता, वो बरगद के नीचे गया, टोपी मारी, ठाक करके नीचे जोर से मारी तो बंदरों ने ऊपर से सारी टोपियां ठाक ठाक करके मारी। उसने टोपियां वोपियां इकट्ठी की, पोटली में भरी, निकल गया। अरे यार बड़ा अच्छा जुगाड़ था, ये 5-4 महीने बाद गिरा है, फिर वही सो गया। 5,000 टोपी लेके बंदर फिर उठा के ले गए।
उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, उसने उन टोपी पहनी और ठा करके नीचे मारी, ऊपर से आवाज आई चौबे थक चक्कर हमारे बाप दादा नहीं थे क्या, हंसलो हंसलो हंसता नहीं थोको थोको, क्या दोबारा बेवकूफ बना देगा तुम्हें, क्या दोबारा तुम्हें ये कह देगा कि किसान की इनकम डबल कर दूंगा। अगर इस देश को अखंड रखना है, इस देश को बांटना नहीं है, अगर मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं करवानी, जब क्रिकेट का मैच चलता है कोई गुजराती है कोई मराठी है कोई बंगाली है कोई पंजाबी है, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है मेरे भाइयों, हिंदुस्तानी इकट्ठे हो जाना। और ये 15 साल पुरानी गाड़ी काला धुआं मार रही है, इसको बदल देना, बदलोगे कि नहीं बदलोगे, अगर बदलोगे तो सिद्धू तुम्हें वचन देता है, और सिद्धू का वचन ऐसा ही नहीं है, सिद्धू तुम्हें वचन देता है इसी चौक में आके तुम्हारा धन्यवाद करूंगा जरूर, इसी चौक इन्हें अपना बनाओ, सुख दुख का साझी बनाओ, यदि तुम एमपी नहीं बनाओगे सांसद नहीं बनाओगे तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनाओगे, देखो कौन वचन का पक्का है, जिसने जो कहा वो किया है, तो भागता हजार रुपए गरीब को देगा, जो 15-15 लाख के घोंसले नहीं सत्य की बात कर रहा है, ईमानदारी की बात कर रहा है, ये वो है जिसने 70 साल इस देश की सेवा की है, बुरे दिन जाने वाले और राहुल गांधी आने वाले, इसलिए अब की बार भस्कर यार और राहुल गांधी के लिए वोट डालना है और सांसद बनाना है, क्या मैं ठीक कह रहा हूं, मेरी बात पे यकीन है, हिंदू के बहरे कानों तक अगर आवाज पहुंचानी है, अगर गुण के बहरे कानों तक आवाज पहुंचानी है तो थमाता रहना जरूरी है। मैं जब जवान था अभी भी जवान हूं, मैं छक्का मारता रही हूं करके बॉल बाउंड्री पार, अरे तुम मेरे से नेता चुने हो राजस्थान वाले, ऐसा छक्का मारो कि मोदी राजस्थान रेडिया की बाउंड्री पार, क्योंकि किसान भाई है ना, इस देश की सबसे बड़ी भूल भूल कमल का फूल, विश्वास मिट्टी के बर्तन की तरह होता है, एक बार टूट जाए थूक लगा के जोड़ते रहो, दूध लगा के जोड़ते रहो, फिर जुड़ता नहीं। और तुम मुझे बताओ, तुमने पेट्रोल पंप पे गए हो, गए हो पेट्रोल पंप पे, देखा है वहां मोदी का चेहरा फोटो लगी है, हंसा हुआ नूरानी चेहरा, काली चुनते मैंने सुने, क्या बात, वाले मोदी वाह, पेट्रोल की कीमत 37 रुपए और उसके ऊपर टैक्स 47 रुपए, डीजल की कीमत 30 रुपए और उसके ऊपर टैक्स 40 रुपए, ये तो वही बात हुई पायजामा 200 रुपए का और नारा 1200 रुपए का, ठोको ताली ठोको, अरे ताली ठोको गुरु, ये इसका इंसाफ है, किसानों को मार डाला, महंगाई इतनी हो गई, गरीब रोटी नहीं खा रहा, अब तुम कह रहे हो कि मैं चौकीदार बनाऊंगा, अरे चाचा नेहरू कहते थे डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, ये कहता है बहनों भाई हम चौकीदार बनेंगे, हम हीरो बनेंगे, पकड़ लो पूंछ, ये प्रधानमंत्री बिखर गया, प्रधानमंत्री रबड़ के गुड्डे की तरह सीबीआई बर्बाद कर दी, रॉ बर्बाद कर दी, जुडिशरी चौराहे पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है, बस एक फौज बची थी और फौज पे भी सियासत हो रही, बात करते हो तुम शहीदों की, शहीदों की जान का तुम्हें परवाह नहीं है, तुम जब जाते हो चक्का जाम हो जाता है शहर में, परिंदा पर नहीं मारता, और जब 4000 जवान जाता है तो ट्रैकर नहीं जाता, 250 किलो RDX आगे बीच में लगता है, उसके ऊपर कभी चिंतन किया है मोदी जी, जब उसके ऊपर विचार किया तुमने, या तुम लाशों पे राजनीति ही करोगे, जिस जंग में राजा की जान को खतरा न हो उसे जंग नहीं सियासत कहते हैं मेरे भैया, सियासत, और सियासत ठीक है भैया, मैं फकीर हूं तो पकड़ लो पूछ, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, मैं चौकीदार हूं, अबे प्रधानमंत्री भी तो है, वो भी तो बन के दिखा जरा,
गंगा था, पंद्रह था, लोकपाल, तो क्या कांग्रेस ने सरकार बनाई थी आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करने के लिए? रोको ताली रोको। कैसे ही गए अपनी बार का बस कर यार, अब की बार दोनों हाथ खड़े करो और गूंगे पहरे कानों तक मोदी के आवाज पहुंचाओ, छादा करो, इसको पता लगे बंदे राजस्थान के कैसे होते हैं। दोनों हाथ खड़े करो, भैया बगैर बादलों के।